देखो भाई, निवेदन तो हमेशा से मैं तुम लोगों को करते रहता हूँ कि भाई पूरी वीडियो देखा करो, लेकिन यस, आज अगर तुम लोगों ने पूरी वीडियो नहीं देखी तो यस, ये मोड बिल्कुल काम नहीं करने वाला। सो यस, पूरी वीडियो जरूर देख लेना। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस यार, आज मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ कि तुम लोग कैसे यार आयरन मैन बन सकते हो इस वाली वीडियो में, जो कि तुम लोग यहाँ देख सकते हो। अभी हम लोग ने एक यहाँ पे कैसे यार तगड़ी तरह एंट्री मारी यहाँ पे, एंड हम लोग आयरन मैन बन चुके हैं। एंड यस, ये नहीं कि यहाँ पे हलवा है बस, ये बस कुछ काम का नहीं है, इसके पास बहुत सारी पावर्स भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा जलवा होता है भाई। एंड अभी तो मैं आयरन मैन बन ही गया हूँ, थोड़ी मोड़ी पहले जलवा दिखा देता हूँ। सो यस, यहाँ पे देख सकते हो हम लोग का यहाँ पे कुछ ऐसा स्क्रीन दिखता है सामने का, जो कि बहुत तगड़ा है। सो इसी बात पे सभी लोग लाइक ठोको, बहुत कम लाइक आ रहा है भाई, लाइक ठोक दो यार, ठोक दो ना प्लीज़। सो यहाँ पे देखो, अभी मैं कुछ पावर चेंज करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं अभी पावर चेंज कर चुका हूँ। एंड अभी देखो इन चच्चा को अभी कैसे धूम चकाते हैं यहाँ पे, मजे। लेकिन अभी हम लोग तुम लोग को सामने से दिखाते हैं क्या क्या होता है। सो ये देखो गाइस, एंड अभी कुछ ये देखा ना भाई, मेरा मतलब यहाँ पे जो बीच में आर्क होता है वो यहाँ से देखो क्या निकालता है, ये देखो लेजर निकाल रहा है कुछ, मतलब चेस्ट रिपल्सर कुछ ऐसा ही चीज़, जो कि बहुत ज़्यादा गजब होता है यार कसम से। तो आज मैं तुम लोग को यही बताने वाला हूँ कि कैसे तुम लोग यहाँ पे ऐसे सुपर पावर यूज कर सकते हो आयरन मैन बन के। सो पूरी वीडियो देखना, एंड मेन थिंग, सबसे पहले वीडियो को लाइक करो भाई। तुम लोग लाइक नहीं करते हो यार, प्लीज़ लाइक कर दो ना भाई, प्लीज़ यार, प्लीज़ बोल रहा हूँ भाई, अब तो कर दो। हाँ तो गाइस, तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सो उसके लिए गाइस, तुम लोग को सबसे पहले यहाँ पे एक क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करना होगा। एंड यस, ये मैं अभी तुम लोग मोड जब डाउनलोड कर लोगे ना, उसके बाद की जो मैं अभी प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन पहले ये सभी जान लो। तो यहाँ पे देखो हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे तुम लोग को ये कांच वाली यहाँ पे रखनी पड़ती है, ये हेलमेट यहाँ पे, ये लैपिस लाजुली यहाँ पे, एंड ये वाली जो रेडस्टोन रिपीटर होती है यहाँ पे। तो तुम लोग को यहाँ पे कुछ है ना, एक आर्क रिएक्टर मिल जाएगा, मतलब इस देखो टोनी स्टार का आर्क ग्लासेस मिल जाएगा, जो कि तुम लोग है ना, मतलब इसको देखो यहाँ पे, जैसे ही तुम लोग होल्ड करोगे ना थोड़ी देर, देखो मैं अभी स्क्रीन पे टैप करता हूँ, होल्ड किया, अरे भाई हट गया। हाँ तो थोड़ी देर होल्ड करना, यहाँ देखो होल्ड हो गया, एंड होल्ड होने के बाद तुम लोग को एक बूंद भी नहीं चलना है। मैंने अभी तक एक बूंद भी, एक कदम भी नहीं चला है भाई, तुम लोग को भी याद रखना है, तुम लोग को भी बिल्कुल नहीं चलना है, नहीं तो भाई साहब गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अभी ये वन दिखा रहा है, ठीक ना, तो ये वन वाली बहुत घटिया सूट होती है, जो कि मेरे को पसंद नहीं है। देखो अगर तुम लोग यहाँ पे ना, उसके बाद तुम लोग को चलना तो है नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली स्नीक होना है, यहाँ पे जो कॉर्नर पे स्नीक होने के लिए बटन होते हैं दो बार दाबना है इसको। यहाँ पे देखो हमारा सूट का नंबर चेंज हो रहा है, एंड यहाँ पे तुम लोग को मैं कोई और सूट लेके दिखाता हूँ। यहाँ पे चलो 13, 14 मैंने मार्क है ना, मतलब टोनी स्टार का 14वां सूट चूज किया है, एंड अब हम लोग चल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्प्रिंट करना है, ये देखो आसमान से एक सूट आया, एंड इसको मैंने पहन ली, इसकी भी गॉड लेवल एंट्री है, उतनी मतलब ठीक नहीं थी बट चलता है यार, इतना तो चलता है। तो यहाँ पे भी हमारी एबिलिटीज अब शो होने लगेगी, एंड देखो गाइस अभी हमारी एबिलिटी तो आ गई, एंड इसको कैसे चेंज करना है, तो तुम लोग को फिर से स्नीक होना है, एंड यहाँ पे देखो एबिलिटी अपने आप चेंज होगी, जो तुम लोग को चाहिए वो तुम लोग ले सकते हो। एंड मेरे को अभी है ना यहाँ पे मिसाइल चाहिए, ओ भाई हट गई यार, हट गई भाई। हाँ तो चेस्ट रिपल्सर ही मिली, चलो चेस्ट रिपल्सर को इस विलेजर पर चेस्ट मतलब ट्राई करते हैं, ये ज़्यादा लॉन्ग रेंज की नहीं है। तो यस, ये बच्चा गया। हाँ तो अभी हम लोग पावर चेंज करते हैं थोड़ी सी, लेज़र सबसे भाई, अभी जो मेरे पास लेज़र वाली पावर मैंने सिलेक्ट की है ना, वो बहुत ज़्यादा तगड़ी होती है। एंड पावर सिलेक्ट करने के लिए तुम लोग को स्नीक होकर फिर से खड़ा हो जाना होता है, एंड जैसे ही तुम लोग स्प्रिंट करोगे ना, मतलब ये वाली बटन दो बार दाबोगे ना जल्दी से स्पीड में, मतलब स्पीड तुम लोग ऐसे दौड़ने लगोगे, तब ये पावर यूज़ होने लगती है। जैसे दिखाता हूँ मैं तुम लोग को, ये देखो यहाँ पर मैं चला तो ये चारों साइड लेज़र फेंकता है, जो कि गजब है यार। सो कहाँ पे हो भाई? हाँ तो यहाँ पे देखो क्या चल रहा है, तो इनको ही हम लोग आग से जलाते हैं, ठीक ना, ये दोनों बहुत मजे कर रहे हैं, तो इनको जलाते हैं। ये देखो चारों साइड मतलब सभी लोग जलेंगे, सारे के सारे बंदे जलेंगे भाई, हमारा जलवा ही कुछ ऐसा है ना कि तुम लोग क्या ही करोगे, हम एकदम प्रो बंदे हैं। एंड अभी मैं उड़ के दिखाता हूँ तुम लोग को, ये देख रहे हो भाई, जैसे मैं पीसी में उड़ रहा था वैसे ही मैं यहाँ पे भी उड़ सकता हूँ, एकदम तगड़ा लेवल, मतलब गॉड लेवल एंट्री होती है भाई साहब। ये देखो मैं उड़ कैसे रहा हूँ भाई, मतलब एकदम तगड़ा ला भाई साहब, ओपी। तो लाइक करो गाइस।
सो आई होप तुम लोग को ये समझ में आ गई होगी तुम लोग सूट कैसे चेंज कर सकते हो। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, सूट को डीएक्टिवेट करने के लिए तुम लोग को फिर से वही ग्लासेस हाथ में पकड़ने पड़ते हैं एंड इसको बस ऐसे टच करोगे ना तो ये हट जाएगा। तुम्हारा सूट अब हट चुका है एंड फिर से अगर तुम लोग को सूट पहनना होगा तो तुम लोग इसको फिर से ऐसे टच करो, मतलब थोड़ी देर टच करो, जो सूट चाहिए होगा वो सूट ले लेना। यहाँ पे मैं तुम लोग को बोलूँगा 3 लेना, 7 लेना, ये दोनों तगड़े तगड़े सूट है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ 3 लेके, यहाँ पे 3 चूज करता हूँ मैं, तो अभी 2 चूज हुआ है तो यहाँ पे 3 हो गया। देखो 3 हो गया ना, मेरा भी 3 सूट नंबर है जो कि बहुत तगड़ा लेवल एंट्री देता है। एंड यहाँ मैं थोड़े से चला एंड ये देखो अभी यहाँ पे थोड़ा बड़ा एकदम रोबोट वोबोट निकलेगा एंड मेरे को सूट पहनाएगा। एंड अब हम लोग चलेंगे ना तो हम लोग इसकी एबिलिटी यूज़ कर सकते हैं। एबिलिटी यूज़ करने के लिए फिर से स्नीक हो जाओ एंड यहाँ पे तुम्हारे पावर आ गई, सिलेक्ट कर ली, खड़ा हो जाओ फिर से एंड फिर जैसे ही स्प्रिंट करोगे मतलब दौड़ोगे जल्दी से। ओ भाई ये तो एक शॉट में मार दिया भाई, रिपल्सर इज ओवर पावर। वेट, क्योंकि ये रिपल्सर है ना हमारे यहाँ देखो हाथ से निकलता है, ये देखो ऐसे लेजर की तरह। सो यस, चलो मैं बताता हूँ तुम लोग इसको कैसे पा सकते हो। तो इसके लिए तुम लोग को एक ना लिंक मिलेगी जो कि हमारी वेबसाइट की है, तो वहाँ पे से तुम लोग कैसे उसको डाउनलोड कर सकते हो चलो मैं वो बताता हूँ। डायरेक्टली पूरे स्टेप फॉलो करना, तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक ना। चलो शुरू करते हैं। तो देखो यार, जैसे तुम लोग लिंक पर टच करोगे तुम लोग यहाँ पे आ जाओगे, तो हमारे वेबसाइट पर आ जाओगे जो कि तुम लोग को दिख रही होगी। तो यहाँ पे तुम लोग को आयरन मैन के बारे में कुछ भाषण वाषण लिखी हुई मिल जाएगी एंड यहाँ पे देखो डाउनलोड लिंक यहाँ पे लिखी हुई है एंड उसके नीचे टच मी लाल कलर में, तो तुम लोग को उसी टच मी को है ना टच करना है एंड टच करके डाउनलोड कर लेना होता है। एंड यस, यहाँ पे हम लोग को यार थोड़ी मोटी कमेंट कर दिया करो, यहाँ पोस्टर कमेंट है भाई कर दिया करो। एंड यहाँ पे देखो ये टच मी का ऑप्शन है ना, इसी पर टच करके तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। मैं भी नहीं टच करने वाला भाई, माई लिमिटेड आ जाती है यार, क्या बोलूँ मैं। हाँ तो तुम लोग टच मी पे टच करके डाउनलोड कर लेना, मीडिया फायर की लिंक आ जाएगी वहाँ से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद यार तुम लोग को यहाँ पे जेड अचीवर ऐप या अपने कोई भी माई फाइल्स ऐप है उसमें घुस जाओ। यहाँ पे डाउनलोड्स में जाना, डाउनलोड्स में तुम लोग को नीचे यहाँ पे देखो अभी जो तुम लोग ने डाउनलोड किए हैं ना, यहाँ पे देखो आयरन मैन का ऑप्शन आ रही है। देखो आयरन मैन आर्मर एड ऑन MC add-on.zip, तो इसको तुम लोग को देर तक टच करना पड़ेगा। रुको भाई, देर तक टच करो, यहाँ पे रीनेम के ऑप्शन पे जाओ एंड यहाँ पे जो .zip आ रहा है इसको हटाना पड़ता है। सो यहाँ पे हम लोग इस .zip को हटा देते हैं। सो ये .zip चचा को अभी हटाना है हमें एंड इसको हम लोग को काट देना है, यहाँ पे .mc-add-on तक छोड़ देना है एंड डन करो, ओके करो। एंड फिर यहाँ पे जो इस पर देखो आप टच करना है डायरेक्टली, यहाँ पे तुम लोग अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ आ जाएगा, टच करना, व्यू पे टच करना ऐसे एंड यहाँ पे तुम्हारा लोकीग्राफ आ जाएगा, लोकीग्राफ पे टच करना जस्ट वंस, ये ऑलवेज जो करना है वो कर देना, मैं जस्ट वंस कर रहा हूँ। एंड तुम्हारा लोकी क्राफ्ट अब डायरेक्टली ओपन हो जाएगा एंड अभी भी कुछ सेटिंग बाकी है इसलिए कोई भागेगा नहीं, तो भाई तुम्हारी नहीं वर्क करेगी। सो हम लोग 7 क्विट कर जाते हैं। सो तो यहाँ पे हमारी मोड आ चुकी है भाई, मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ देखो फेल टू इम्पोर्ट बता रही है, बट हाँ वो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है क्योंकि वो बताएगा ही, क्योंकि यार हमारे पास पहले ही सही है। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट न्यू वर्ल्ड करते हैं, या तुम लोग को पहले वाले वर्ल्ड में खेलना हो तो उसको एडिट कर लेना। यहाँ पे क्रिएट न्यू वर्ल्ड पे मैं गया, यहाँ पे इसको सर्वाइवल में भी बना सकते हो एंड क्रिएटिव में बना सकते हो, मैंने रेसिपी बता दी है तो मैं क्रिएटिव में जा रहा हूँ। एंड यस, यहाँ पे थोड़ी देर नीचे जाना है, नीचे जाना है, यहाँ पे एडुकेशन एडिशन इसको ज़रूर से ऑन करना है, तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं होगा। मैंने ऑन कर लिया एंड फिर यहाँ पे आयरन मतलब आयरन मैन का यार मोड लगाओगे तभी ना काम करेगा, तो लगा लेना। एंड उसके बाद वर्ल्ड क्रिएट, यस क्रिएट हो गई। अब तुम लोग इसमें खेलना है, जो करना है करो, मैं भी तुम लोग को डायरेक्टली थोड़ी सी दिखा देता हूँ एंड मजे करना। तो देखो यार हमारा वर्ल्ड तो क्रिएट हो चुका है एंड अब मैं तुम लोग को दिखाता हूँ यहाँ से जल्दी से वही चीज़ लेके टोनी वाला, जो भी उसका चश्मा वश्मा है ना बस वही तो चाहिए हमें, और कुछ चाहिए नहीं। ये देखो चश्मा आ गया यहाँ पे, टेक ग्लासेस, इसको मेरे को थोड़ी देर टच करना पड़ेगा एंड यहाँ पे ये आ गया एंड मेरे को बिल्कुल नहीं हिलना है, स्नीक हो जाना है। एंड यहाँ पे हमारा सूट चेंज हो गया, मैंने मार्क 3 किया क्योंकि इसकी एनिमेशन मेरे को बहुत तगड़ी लगती है एंड फिर मेरे को स्प्रिंट करना है एंड यहाँ से रोबोट निकलेगा मेरे को सूट पहना देगा। एंड यस एट ऑल ख़त्म, ये अब पावर यूज़ करने के लिए फिर से स्नीक हो जाओ एंड यस ख़त्म भाई साहब, जलवा है हमारा जलवा, ये देखा ना यहाँ पे कुछ भी। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आज की वीडियो अगर तुम लोग को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड जिस बंदे ने भी अभी तक पूरी वीडियो देखी नहीं वो तो मेरे को मत ही बोलना भाई वर्क नहीं कर रहा है, ठीक ना, बिल्कुल मत बोलना। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं निकला ओ गड्डी लेके। It's not a game, it's a rage.